Bones. आप सभी को मेरा प्रणाम और पहला कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं दिव्या स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से हो रही है। सुबह के सारे काम फिनिश करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था। हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए हैं, नौमी भी स्कूल चला गया है, मम्मी सोसाइटी के मंदिर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो आज लंच में मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी और कड़ी। कड़ी को पहाड़ी लैंग्वेज में झोली कहा जाता है। तो झोली मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं उसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि उसकी रेसिपी सभी की सेम होती है। तो चलिए बनाते हैं कड़ी यानी कि झोली। तो कड़ी बनाने से पहले सबसे पहले मैं पकोड़े बना लूँगी। पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है एक बर्तन में थोड़ा सा बेसन, उसमें डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, हींग और हरा धनिया बारीक काट लिया है और बारीक हरी मिर्च भी काट ली है। अब मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। तो पकोड़े फ्राई करने के लिए आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल, तो मैं छोटे छोटे पकोड़े ऑयल में डाल दूँगी। तो इसके बाद इसे मीडियम फ्लेम में सेकना है। एक साइड जब ये सिक जाए तो इसे दूसरी साइड से भी मैं सेक दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कड़ी की तैयारी कर रही हूँ। कड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया एक बर्तन, उसमें डाला है थोड़ा सा बेसन, उसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दही। दही आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मुझे कड़ी में थोड़ा दही ज़्यादा पसंद है, खट्टी कड़ी पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा दही ज़्यादा लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसका अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं यहाँ पे
तड़का लगा रही हूँ। कड़ी पत्ता, मेथी दाना, थोड़ा हींग डालूँगी और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा। अब यहाँ पे मैंने 5-6 लहसुन की कलियाँ बारीक बारीक चॉप कर ली थी, तो मैं उसका भी तड़का लगा दूँगी। अब यहाँ पे जो बेसन का बैटर बनाया था उसे कढ़ाई में डाल दूँगी और जितना हमें पानी चाहिए उतना पानी ऐड कर लूँगी। जब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए तो उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने बारीक बारीक धनिया चॉप कर लिया था, मैं वो कढ़ी में डाल दूँगी। उसके बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी, फिर ये जो पकौड़े बनाए थे वो कढ़ी में डाल दिए। तो मेरी कढ़ी तो तैयार है और बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी। तो ये रहा मेरा आज का टेस्टी सा लंच। तो मैं लंच करने के बाद अपने रूम में आ गई हूँ और आज मौसम इतना ठंडा है यहाँ पे, बहुत कोहरा लगा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो आज का मेरा ये व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।